परिषद है उस कठोर परिषद से लिया है। धीरे धीरे आपको हमारे अंदर से शांति को लाना चाहिए, इसी से अनंत शांति की प्राप्ति होगी। ज्यादा समय नहीं दूंगा, सबसे पहले विधायक जी के विचार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के सुंदर मूर्ति का यहाँ उन्होंने स्थापना किया है। विवेकानंद जी और भी ऐसे हमारे सनातन धर्म के गुरु शिष्य परंपरा में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। इस नवीन युग में स्वामी विवेकानंद एक ज्वलंत उदाहरण है। वेद और वेदांत की सिद्धांत को उन्होंने पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया, जिससे भारत की गौरव जो है बड़ी है विश्व गुरु के रूप में। इस अवसर पर टाटा मोटर्स यूनियन के हमारे अध्यक्ष तोते भाई, महामंत्री सामने में साईं बाबा हैं और बगल में गंगोत्री है, इन सबों के बीच में हम लोग उपस्थित हैं। तो बोले कि प्रार्थना करके मैं कुछ पाया नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो पूछा कि आपको क्या नुकसान हुआ, फिर आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करके मेरा अहंकार था वो ख़त्म हो गया, मेरा जितना भी दुख था वो ख़त्म हो गया। हम दूसरे के प्रति जितना असहिष्णु था वो ख़त्म हो गया, तो मेरा ख़त्म होना ही मेरा फायदा है। तो हम चाहते हैं कि सबको इस तरह से प्रेरणा मिले और सबका अहंकार बाकी सब प्रार्थना से या उनका याद करने से ख़त्म हो जाए। नीचे में कर्म के प्रतीक वहाँ कृष्ण, यहाँ विवेकानंद और यहाँ हम सभी जितने लोग आए हैं। यदि हम कर्मरत रहते हैं, कर्म को महत्व देते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिग्निटी ऑफ लेबर, जिससे यूरोप अमेरिका आगे बढ़ा है, तो कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकता है। जब हम सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सुबोध बाबू, इंजीत भाई और तमाम लोग, अरविंद बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, महात्मा जी मेरे मिथिला के हैं वो उधर बैठे हुए हैं, अब तो बीत चुके हैं। आप सबों को, आप सभी बड़े विद्वान लोग, हमारे यूनियन को चलाने वाले लोग हैं, बहुत बहुत आपको प्रणाम। विधायक, उस विधायक फंड की स्वीकृति प्रशासन से नहीं मिल सकी। आजकल हम लोग सोचते थे मिल जाएगी, हम सभी काम कराएंगे, नहीं मिली। तो करीब 20 दिन पहले ये लगा कि यहाँ जो पहले से स्थापित हमारी दैवी शक्तियाँ हैं, वे नहीं चाहती हैं कि स्वामी जी के प्रतिमा की स्थापना में सरकार का कोई पैसा लगे। इस संदेश को मैंने ग्रहण किया और जो हमारे आज कलाकार मित्र यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैंने संपर्क किया कि भाई अत्यंत कम समय में हम लोग चाहते हैं कि स्वामी जी की वह प्रतिमा तैयार हो जाए जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था। इन्होंने स्वीकार किया और इनमें सबसे जो युवा हैं दीपांकर कर्मकार, इनको इसका बीड़ा सौंपा लोगों ने। दीपांकर ने समय पर प्रतिमा तैयार करके दे दिया जो हम लोगों के सामने आज है। सरकार का पैसा नहीं लगा, इतना कम समय था कि हम लोग किसी से याचना भी नहीं कर सकते थे, तो जहाँ तक हो सका अपने यहाँ से ही व्यवस्था करके हम लोगों ने प्रतिमा स्थापित की। तो मैं इससे व्यवधान नहीं मानता हूँ, बल्कि दैवी शक्तियों का एक संकेत मानता हूँ कि इस तरह के जो महापुरुष हैं, जो एक अवतार की तरह हैं और जिन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव जी की आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण किया है, उन पर एक तरह से शक्तिपात हुआ है और उसके आधार पर उन्होंने पूरे दुनिया में हमारा जो सनातन धर्म है इसका संदेश, जिसको परम पूज्य शंकराचार्य जी ने बड़ी कम उम्र में पूरे देश भर में प्रतिपादित किया है, उसको दुनिया भर में प्रतिपादित करने का दायित्व भगवान रामकृष्ण देव जी ने स्वामी विवेकानंद को सौंपा और स्वामी विवेकानंद जी ने यह काम सफलतापूर्वक किया।
इसलिए जो आध्यात्म पीठ है यहाँ पर है, पहले से माँ भुवनेश्वरी मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण का जो गुरुवायुर स्वरूप है वह यहाँ उपस्थित है। मेरे मन में अभिलाषा जगी थी इस स्थान पर एक और आध्यात्मिक शक्ति जो कर्म के भी प्रतीक हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं, उन्हें हम सभी स्थापित करें, आज हम उसको कर सके, ये मेरे लिए बड़ी संतोष की बात है। और हम लोगों ने भी तय किया था कि इस प्रतिमा के आगे आप देख रहे होंगे कि जो प्रस्तर खंड है, जो शिला के स्वाभाविक प्राकृतिक स्वरूप है, उसमें बरकरार रखें। हमारे कलाकार मित्र ने सलाह दिया है, एक राजा हैं हम लोग के जमशेदपुर के ही, जो बोनसाई यानी नाटे पौधे तैयार करने में माहिर हैं, उनको भी हमने बुलाया है। ये सभी मिलकर यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप क्या हो ये निर्धारित करेंगे और हम लोग इस प्राकृतिक स्वरूप को ही यहाँ जिंदा रखेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा है कन्याकुमारी में जिसको रॉक मेमोरियल कहा जाता है, यानी हमारे देश का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, उस नीचे हिस्से के बाद एक समुद्र है और एक छोटा सा द्वीप जैसा जगह थी। स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी पहुंचे और वहां से पूरे भारत को देखा तो उनके मन में अभिलाषा हुई कि मैं उस शिलाखंड पर जाकर वहां तपस्या करूं। और स्वामी जी ने समुद्र में छलांग लगाकर तैरना आरंभ किया और तैरकर उस शिलाखंड पर, उस द्वीप पर पहुंच गए और वहां उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया। इसीलिए वहां पर 1972 में ही हमको याद है कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। आज दुनिया भर के लोग वहाँ स्टीमर से जाते हैं, जो वहाँ स्वामी जी खुद तैर कर पहुँचे थे समुद्र में। और हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सभी उसे विद्यार्थी थे, मगर पूरे देश से एक रुपये का एक टिकट जैसा दिया गया था और एक एक रुपया इकट्ठा करके विवेकानंद मेमोरियल की स्थापना वहाँ हुई। तो मुझे लगा कि वहाँ जो स्वामी जी का समुद्र में तैर कर रॉक पर गए थे, चट्टान पर गए थे, तो यहाँ भी तो स्वामी जी के सामने चट्टान ही चट्टान है छोटी बड़ी। इसलिए हम लोग इसको भी स्वामी विवेकानंद जी का एक मेमोरियल ऑन रॉक कहिए, या प्रस्तर खंड पर आपकी जो प्रतिमा स्थापित है, इसको हम लोग इस प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए ही आगे हम लोग इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और यह भी हम लोग किसी सरकार के पैसे से नहीं करेंगे, बल्कि जिसको जो लगेगा इसमें योगदान करेगा उससे ही हम लोग इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। हमारे जो कलाकार मित्र आए हैं, ये सभी कलाकार और राजा हैं बोनसाई के, ये सभी निर्धारित करेंगे कि हमको यहाँ क्या करना है और करने में हमको कितना खर्च आएगा। तो आज एक मुझे लगा कि ईश्वर का, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद, संकेत, मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में मिलते रहता है कि आपने जो रास्ता अख्तियार किया है उस रास्ते पर कोई चौराहा खड़ा कर देते हैं और उनके द्वारा जो निर्धारित दिशा है उस चौराहे से उस यात्री को, चलने वाले को, उस रास्ते को पकड़ना पड़ता है, तय करना पड़ता है। कुछ इसी तरह कलाकार और राजा हैं बोनसाई के, ये सभी निर्धारित करेंगे कि हमको यहाँ क्या करना है और करने में हमको कितना खर्च आएगा। तो आज एक मुझे लगा कि ईश्वर का, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद, संकेत, मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में मिलते रहता है कि आपने जो रास्ता अख्तियार किया है उस रास्ते पर कोई चौराहा खड़ा कर देते हैं और उनके द्वारा जो निर्धारित दिशा है उस चौराहे से उस यात्री को, चलने वाले को, उस रास्ते को पकड़ना पड़ता है, तय करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की दैवी आध्यात्मिक संकेत हम लोगों को इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब मैं एक सलाह के लिए, सुझाव के लिए, मेरे जमशेदपुर है और जो हमारा नीचे में मुरगांव का स्टेडियम है, उसके बाद पर्वत है, पर्वत पर पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक स्वरूप है, इसको भी हम सुंदर बनाएं। और इसकी तलहटी में जमशेदपुर जिस चीज़ के लिए विख्यात है, विख्यात इसलिए है कि इसको लघु भारत कहा जाता है। पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग यहाँ हैं, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, जो अपने संस्कारों के साथ, परंपराओं के साथ आज भी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो जब ये लघु भारत है तो माँ भुवनेश्वरी और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापना के बाद दाहिने बाएं जो स्थान है, ये हम लोग प्रयास करें, कोशिश करें
यहाँ जो भी हमारे धर्माचार्य पूरे देश के किसी भी राज्य के रहे हों, उन सबों को भी किसी न किसी रूप में हम यहाँ विराजमान कराएं। और पूरी तरह से ये जो पहाड़ी है वह एक आध्यात्मिक पहाड़ी का स्वरूप ग्रहण करें, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हेरिटेज फाउंडेशन कहते हैं, यानी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी हेरिटेज है, उस भारत के एक लघु भारत को हम चित्रित करें। ये मेरे मन में विचार आया है, आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ा काम है, कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा नहीं कहा जा सकता है, परंतु माँ भुवनेश्वरी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उनका अगर इशारा होगा, संकेत होगा, तो हम सभी मिलकर इस काम को एक स्वरूप दे पाएंगे। हम उसका वाणी और दिखा हुआ पथ से चलेंगे तो हमारा सभी समस्याओं को निदान मिल जाएगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद आज भी प्रारंभिक है। एक्चुअली कुछ आदर्श है जो शाश्वत, वो सभी काल के लिए, सभी जगह के लिए, सभी देश के लिए। स्वामी विवेकानंद ऐसा ही आदमी था। हम चाहते हैं हमारे सब युवा पीढ़ी, शिक्षार्थी, उनको जीवनी पढ़े, उनको जाने और अपना रास्ता आपको मिल जाएगा। जय भुवनेश्वरी मंदिर में लगा है, कितना गौरवान्वित हो रहे हैं। सुनिए, ये तो प्रतीक है। एक बार आके इस स्टैचू में आके सभी को एक बार सोचने पड़ेगा, ये कौन है, इनका क्या वाणी है, इनका क्या सोच है, एक बार देखेगा जानेगा और इससे प्रेरणा भी मिलेगी। दादा, आधुनिक युग में अभी के वर्तमान एज में 21वीं शताब्दी का आखिरी चरण है और स्वामी जी जैसे पहले जिनका विचार इतना आधुनिक था आज उससे भी ज्यादा आधुनिक लग रहा है, क्योंकि अब उनकी बातों पे चल के अगर देश और पूरा विश्व अमल करे और चले तो धर्म की भी रक्षा होगी, मानवता की भी रक्षा होगी और विज्ञान की भी रक्षा होगी और तरक्की होगी। क्या कहेंगे उसमें आप जो बोले हैं इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे सभ्यता, हमारे आदर्श, हमारा जो 5000 साल का, उससे अधिक अगर कम नहीं होगा, परंपरा चले आ रहा है। इसीलिए आज भी हम इन लोग के दिखाए हुए रास्ता में सब समस्या समाधान मिलेगा। स्वामी विवेकानंद आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, युग युग तक रहेगा, रामकृष्ण देव भी रहेंगे। आज माननीय विधायक जी ने एक ऐतिहासिक कृति यहाँ स्थापित की है। पूरे झारखंड के प्रदेश में हमारे विवेकानंद एक प्रेरणा स्रोत के रूप में युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, जिन्होंने प्रसन्नचित ध्यान मुद्रा में मूर्ति जो आज स्थापित किया गया है। और उनका ये सोच है कि इस अगल बगल जो क्षेत्र है, जमीन है, उसमें एक हेरिटेज स्थापित हो, उसमें एक ध्यान केंद्र स्थापित हो, पूरे देश का एक परिदृश्य यहाँ परिलक्षित हो। और उस दृश्य को परिलक्षित करने के लिए आदरणीय विधायक जी ने, हमारे राजा जी आर्टिस्ट हैं, उनको समर्पित किया है कि कैसे उनकी सोच को डेवलप करेंगे ताकि इस क्षेत्र को आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। क्या राजा, कैसे आप डेवलप करेंगे? जैसे भाई साहब ने कहा रॉक गार्डन, हाँ रॉक गार्डन यहाँ इस्तेमाल करेंगे और नेचुरल पत्थर है उसी के ऊपर ही बनाएंगे, उसको हटाएंगे नहीं यहाँ से। तो ये क्या क्या आप डिजाइन में करेंगे, इसमें क्या क्या करना है इसमें? आप इसमें प्लांटेशन करना है और वाटरफॉल का निर्माण करना है। वाटरफॉल और प्लांटेशन ऐसा दिखेगा ये राजा, ऐसा कहीं कोई दृश्य है कि अद्भुत होगा? अद्भुत होगा, इंडिया का सबसे अनोखा होगा ये, अद्भुत होगा, इंडिया का अनोखा बनेगा ये नेचुरल गार्डन में। बताया जाए आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जो पहचान है वो विश्व में है और भारत एक युवा शक्ति है और इस युवा शक्ति में कहीं न कहीं विवेकानंद जी का अंकुरित जो बीज है वो भारत के युवाओं में है। हम भारत के युवा अपना हमेशा हम लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने सद्गुणों को और जो भी दुर्गुण है उससे दूर हटा के अपना व्यक्तित्व विकास करना चाहिए ताकि समाज का विकास हो के, राष्ट्र का विकास हो के और एक भारत सबल राष्ट्र बन सके। और स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को हम और भारत के ऋषि मुनियों और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके सपनों को हम पूरा कर सकें।
और जो भी युवा है वो समाज सेवा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, अग्रणी भूमिका निभाए, सकारात्मक कार्य करें, सकारात्मक गतिविधियों में रुचि लेते रहें, और इसी मूल मंत्र को बढ़ाने के लिए विधायक श्री माननीय श्री सरयू राय जी ने इस मूर्ति का अनावरण किया है, उसकी स्थापना में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। हम उनको बहुत ही साधुवाद देते हैं जमशेदपुर की युवा शक्ति की ओर से, और सर का शुरू से ये प्रयास रहा है कि सकारात्मक युवा से समाज और राष्ट्र सबल होगा, और उसके लिए हमेशा वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। श्रीमन नारायण त्रिगुण, संस्थापक श्रीमन क्लासेस। अच्छा, ये तीनों का नाम लिख लीजिए। जय हो माता भुवनेश्वरी की। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जो भारत के गौरव, जो पूरे विश्व की शान, पूरे मानवता के आधारशिला, जिन्होंने दुनिया में ये बताया कि मानवता अगर कहीं से चलती है तो हिंदुस्तान से चलती है, पूरे भारतवर्ष से चलती है। अल्पकाल हमारे साथ रहे, 12 जनवरी 1863 में जिनका जन्म हुआ, और जो 4 जुलाई 1902 में जो अपने आप को ब्रह्मलीन कर लिए, ये स्वामी जी जो अल्प आयु में ही हमारे युवाओं के लिए जो प्रेरणा दिया, हमारे युवाओं के लिए जो इन्होंने मिसाल पेश की और पूरे विश्व में बताया कि भारत पहले भी धर्मगुरु था, विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है, इन्होंने बताया। शिकागो का वो धर्म सम्मेलन आपको याद होगा कि शिकागो में पूरी दुनिया के धर्माचार्य, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, वैज्ञानिक, एक से एक विद्वान उपस्थित थे। स्वामी जी को जब लास्ट में समय मिला तो उन्होंने बोलना शुरू किया भारत पर, जीरो पर, हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर, तो पूरी दुनिया ताली बजाती रह गई। सबसे पहला संबोधन में उनका वाक्य था, हमारे पूरे विश्व के बंधु और मेरी बहनें। ये बात सुनकर 10 मिनट तक लगातार कोई ऐसे विश्व के प्रणेता और विश्व के ऐसे नेता के लिए लगातार किसी भी विश्व के संस्था में, विश्व के पटल पर 10 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहे, ये आज भी रिकॉर्ड है। 10 मिनट तक तालियां रुकी नहीं, स्वामी जी का पहला संबोधन था और पहला वाक्य था। तो आज स्वामी विवेकानंद, उस स्वामी विवेकानंद की धरती से हम हैं और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज विश्व युवा दिवस है, आज पूरे युवाओं को प्रेरणा स्रोत, पूरे युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले स्वामी जी, और इस स्वामी जी की मूर्ति, या ये समझिए कि मूर्ति के अनावरण की गई है, और ये जमशेदपुर का शहर है। ऐसे हजारों हजार जगह पर स्वामी जी की मूर्तियां लगी हैं और युवाओं को प्रेरणा देती रहती हैं। अब इस लौह नगरी में भी स्वामी जी की मूर्ति, या यहाँ पर जो स्पिरिचुअल गार्डन बनने की परिकल्पना है, वो बनकर तैयार होगा, हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा। तो स्वामी जी के राह पे चलने, स्वामी जी के बातों को सुनने, समझने और स्वामी जी को जानने की आज युवाओं को ज़रूरत है, क्योंकि भारत जिस मुहाने पे खड़ा है, भारत आज विश्व को राह दिखा रहा है, भारत आज विश्व को वो राह दिखा रहा है। कोविड में आपको पता है कि विश्व में एक पूरे भारत ही था कि जो पूरे विश्व को सहयोग कर रहा था, और पूरे विश्व को ये बता रहा था कि ये स्वामी विवेकानंद का देश है और हम स्वामी विवेकानंद की देश से पूरे विश्व की सेवा करने में सक्षम हैं। तो आज जिस 21वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में स्वामी जी की बातें, स्वामी जी की विवेक, स्वामी जी का ध्यान, अध्यात्म, ज्ञान, उनकी पूरी जीवन एक शिक्षा हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत इंडिया टीवी ऑनलाइन की अपील होगी कि स्वामी जी के, हम लोग जब इस दिवस को युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं जन्मदिन को, तो आज इस बात का प्रण लें
कि हम लोग स्वामी जी की राह पे चलें, स्वामी जी की बात को मानें, क्योंकि मन बुद्धि विवेक और शरीर की श्रेष्ठता और शरीर के विकास पर भी स्वामी जी बहुत बल देते थे। कहते थे कि मन से स्वस्थ होकर, शरीर से स्वस्थ होकर, बुद्धि से स्वस्थ होकर देश की सेवा की जा सकती है। और ये बात स्वामी जी को हमेशा युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। भारतवर्ष और पूरी दुनिया स्वामी जी के लिए नमन करती है, स्वामी जी को याद करती है और स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर मानवता को स्थापित करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।